तो गाइस अभी जा रहे हैं हम लोग इसको चलाने, थोड़ा देखते हैं और फिर हाथ बिठाते हैं इसके, ठीक है। चलो फिर इसके बाद सीधा इसको मैं चलाऊंगा, और इसको चलाने के बाद फिर इसके साथ करेंगे कंपैरिजन रेस। ये ड्यूक 250 BS4 एंड इज अ ड्यूक 50 BS6, ठीक है। तो चलो एवन टेस्ट ले लेते हैं। गाड़ी में लगा है 80 का प्रोजेक्ट फुल एग्जॉस्ट सिस्टम, ठीक है। हाँ गाड़ी प्रॉपर है गाइस, पिकअप बहुत बढ़िया है, ठीक है। एक बार साउंड सुनाते हैं आपको, जाके फॉलो कर लेना उनको इंस्टाग्राम पे, हैंडल में डाल दूंगा, ठीक है। और इट इज़ अ ड्यूक 50 BS6 विच इज़ माई प्रो गोइंग टू राइड, ओके। सो ये BS6 मॉडल है, और दोनों का कंपैरिजन जब होगा, दोनों की ड्रैग रेस जब होगी, टॉप एंड में आपको पता चल जाएगा कि विच इज़ द बेस्ट एंड विच इज़ विच बाइक सेगमेंट इज बेस्ट, ड्यूक 250 BS4 और ड्यूक 250 BS6, ठीक है। तो टॉप अप देखते हैं, स्पीड अप देखते हैं इनका, और टॉप एंड देखते हैं, क्योंकि गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें लगा स्टॉक एग्जॉस्ट, उसमें लगा है स्टॉक एग्जॉस्ट, और उसमें लगा है ड्यूक 250 में BS4 में हमारा आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। चलो सो गाइस चलिए वेलकम बैक, और हम लोग अब जा रहे हैं अब ड्रैग रेस कंप्लीट करने, स्टार्ट करने, एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइड। एज यू नो मैंने आपको बताया हम लोग ड्यूक 250 के ड्रैग रेस करेंगे विद BS4 एंड BS6 ऑन किसान पथ हाईवे। भाई अपना सत्यम भाई ड्यूक 250 BS6 चलाएगा फर्स्ट, एंड मैं चलाऊंगा ड्यूक 250 BS4 विद फुल सिस्टम एग्जॉस्ट SC प्रोजेक्ट, ओके गाइस। चलो चलते हैं और करते हैं इस ड्रैग रेस को स्टार्ट, ओके चलो भाई चलें।
बाइक, सो इट्स अ गुड रेस, ब्लैक रेस। मैंने जैसा बताया कि स्टॉक एग्जॉस्ट है तो टॉप एंड में ये शायद थोड़ा पीछे रह जाए, ठीक है। चलो अब चलाते हैं वाली बाइक। मेरा भाई 60, मैं बता रहा हूँ वो जो एग्जॉस्ट है ना उसकी वजह से इसमें वो है, टॉप एंड में थोड़ी ये पीछे रह जाएगी। तो गाइस अब चलिए करते हैं इसको राइड, ठीक है, बने रहो। होप कर रहा हूँ बहुत अच्छी ट्रैक। अब स्टार्टअप भाई करेगा, ठीक है, तो चलिए होता है कभी। भाई तो अपना पीछे ही रह गया, इवन डिडंट कम, ओके। देखा आपने कि मैं आगे आ गया था, तो ये कॉर रेस होने जा रही है, भाई वो चलाएगा और मैं बी एस सिक्स चला रहा हूँ। ऐसा कुछ हुआ कि भाई का फ़ोन थोड़ा भाई का जो माउंट है वो थोड़ा बबल करने लगे, इसलिए भाई रुक गया था, इसलिए वो हम लोग कंटिन्यू नहीं करता, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू कंटिन्यू और स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो।
देखा आपने जैसे कि मैंने आपको नोट बताया ठीक है कि अगर आप कोई एग्जॉस्ट वाली बाइक चला रहे हो तो आपको टॉप एंड में आपको दिक्कत आ सकती है इन रेस को। काफ़ी बाइक्स होंगी जो स्टॉक एग्जॉस्ट वाली होंगी वो टाइम देखते ही आगे निकल जाएंगी, जैसे कि हमारी ड्यूक 250 BS6 कर रही है एज यू नो कि इसमें पिकअप कम हो गया है और उसमें ज़्यादा है तब भी वो स्टार्टिंग में भाई आगे नहीं लेके जा पाया या क्या हुआ सीन, बट एज यू नो कि आपने वीडियो देखी तो जो भी आपको अच्छा लगा प्लीज़ गाइड लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल दी राइडिंग सोल। सो गाइस अपना प्यार दिखाओ और इस प्यारी सी सुंदर से वीडियो को करो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ। चलिए करते हैं इस ब्लॉग को एंड, होप करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए बाय बाय।